ओम श्री गणेशाय नमः। गंगा दशहरा का पर्व ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की दशमी को मनाया जाता है। ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को सोमवार तथा हस्त नक्षत्र होने पर यह तिथि घोर पापों को नष्ट करने वाली मानी जाती है। हस्त नक्षत्र में बुधवार के दिन गंगा अवतरण हुआ था, इसलिए यह तिथि अधिक महत्वपूर्ण है। इस तिथि में स्नान दान तर्पण से 10 पापों का नाश होता है, इसलिए इसे दशहरा कहते हैं। इस दिन गंगा में स्नान का विशेष महत्व है। गंगा स्नान से व्यक्ति के सारे पापों का नाश हो जाता है। यह जल वर्ष भर रखने पर भी सड़ता नहीं है। गंगा दशहरा की कथा। प्राचीन काल में अयोध्या में सगर नाम के राजा राज्य करते थे। उनके केशनी तथा सुमति नाम की दो रानियां थी। केशनी से अंशुमान नामक पुत्र हुआ तथा सुमति के 60,000 पुत्र थे। एक बार राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ की पूर्ति के लिए एक घोड़ा छोड़ा। इंद्र यज्ञ को भंग करने हेतु घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में बांध आए। राजा ने यज्ञ के घोड़े को खोजने के लिए अपने 60,000 पुत्रों को भेजा। घोड़े को खोजते खोजते वे कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचे तो उन्होंने यज्ञ के घोड़े को वहां बंधा पाया। उस समय कपिल मुनि तपस्या कर रहे थे। राजा के पुत्रों ने कपिल मुनि को चोर चोर कहकर पुकारना शुरू कर दिया। कपिल मुनि की समाधि टूट गई तथा राजा के सारे पुत्र कपिल मुनि की क्रोधाग्नि में जलकर भस्म हो गए। अंशुमान पिता की आज्ञा पाकर अपने भाइयों को खोजता हुआ जब मुनि के आश्रम में पहुंचा तो महात्मा गरुड़ ने उसके भाइयों के भस्म होने का सारा वृतांत कह सुनाया। गरुड़ जी ने अंशुमन को यह भी बताया कि यदि इनकी मुक्ति चाहते हो तो गंगा जी को स्वर्ग से धरती पर लाना होगा। इस समय अश्व को लेकर अपने पिता के यज्ञ को पूर्ण कराओ, इसके बाद गंगा को पृथ्वी पर लाने का कार्य शुरू करना। अंशुमन ने घोड़े सहित यज्ञ मंडप में पहुंचकर राजा सगर से सब वृतांत कह सुनाया। महाराज सगर की मृत्यु के पश्चात अंशुमन ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए तप किया, परंतु वह असफल रहे। इसके बाद उनके पुत्र दिलीप ने भी तपस्या की, परंतु वह भी असफल रहे। अंत में दिलीप के पुत्र भगीरथ ने गंगा जी को पृथ्वी पर लाने के लिए गोकर्ण तीर्थ में जाकर कठोर तपस्या की। तपस्या करते करते कई वर्ष बीत गए, तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तथा गंगा जी को पृथ्वी लोक पर ले जाने का वरदान दिया। अब समस्या यह थी कि ब्रह्मा जी के कमंडल से छूटने के बाद गंगा के वेग को पृथ्वी पर कौन संभालेगा। ब्रह्मा जी ने बताया कि भूलोक में भगवान शंकर के अतिरिक्त किसी में यह शक्ति नहीं जो गंगा के वेग को संभाल सके, इसलिए उचित यह है कि गंगा का वेग संभालने के लिए भगवान शिव से अनुग्रह किया जाए। महाराज भगीरथ एक अंगूठे पर खड़े होकर भगवान शंकर की आराधना करने लगे। उनकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं में संभालने के लिए तैयार हो गए। गंगा जी जब देवलोक से पृथ्वी की ओर बढ़ी तो शिव जी ने गंगा जी की धारा को अपनी जटाओं में समेट लिया। कई वर्षों तक गंगा जी को जटाओं से बाहर निकलने का पथ न मिल सका। भगीरथ के पुनः अनुनय विनय करने पर शिव जी गंगा को अपनी जटाओं से मुक्त करने के लिए तैयार हुए। इस प्रकार शिव की जटाओं से छूटकर गंगा जी हिमालय की घाटियों में कलकल निनाद करके मैदान की ओर बढ़ी। जिस रास्ते से गंगा जी जा रही थी उसी मार्ग में ऋषि जनहू का आश्रम था। तपस्या में विघ्न समझकर वे गंगा जी को पी गए। भगीरथ के प्रार्थना करने पर उन्हें पुनः जांघ से निकाल दिया। तभी से गंगा जनहू पुत्री या जाह्नवी कहलाई। इस प्रकार अनेक स्थलों को पार करती हुई जाह्नवी ने कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचकर सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म अवशेषों को तार कर मुक्त किया। उसी समय ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर भगीरथ के कठोर तप तथा सगर के 60,000 पुत्रों के अमर होने का वर दिया तथा घोषित किया कि तुम्हारे नाम पर गंगा जी का नाम भगीरथी होगा, अब तुम जाकर अयोध्या का राज्य संभालो। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी अंतर ध्यान हो गए। कथा संपूर्ण हुई।